हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मासी ऑफिसर देन ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर देखने वाले हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल इज इनिबिट्स एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, इनिबिट्स डीएनए गायरेज, इनिबिट्स डीहाइड्रोप्टेरॉइड सिंथेटेज, इंड्यूसेस ट्रांसलेशन मिसरीडिंग्स। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल? तो केटोकोनाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इट इनिबिट्स एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इनिबिशन ऑफ एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ केटोकोनाजोल। देन है इनिबिट्स डीएनए गायरेज, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेड्यूल बी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इज रिलेटेड टू रेट्स ऑफ फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो क्या आता है शेड्यूल बी में? तो शेड्यूल बी में आता है रेट्स ऑफ फी फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए होता है शेड्यूल पी, स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक के लिए होता है शेड्यूल एस, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1950, 1955, 1960 और 1965। तो कब पास हुआ था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट? तो ये पास हुआ था 1955 में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इटाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लूप डायूरेटिक, एसी इनिबिटर्स, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, थायजाइड डेरिवेटिव। तो किसमें आता है इटाक्राइनिक एसिड? तो ये आता है लूप डायूरेटिक्स में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लूप डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिप्रामाइन इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर मेनली बाय एन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सीलेशन, बोथ ए एंड बी और अल्किलेटिंग एजेंट। डेसिप्रामाइन इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर मेनली बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एन ऑक्सीडेशन। डेसिप्रामाइन इज मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय एन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following radiation has the greatest penetrating power? Alpha radiation, beta radiation, gamma radiation और UV radiation? तो इनमें से कौन से radiation का greatest penetrating power होता है? तो ये होता है gamma radiation का। Option C हो जाएगा आपका correct answer. Gamma radiation has the greatest penetrating power. Okay? Next question. Which vitamin is known as anti-sterility factor? Vitamin K, vitamin E, vitamin D or vitamin A? Which vitamin is known as anti-sterility factor? तो anti-sterility vitamin होता है vitamin E. Option B will be your correct answer. Vitamin E होता है anti-sterility vitamin. And vitamin E होता है alpha tocopherol and ये anti-sterility antioxidant vitamin होता है. ठीक है? Vitamin K होता है phylloquinone and due to deficiency of vitamin K, bleeding disorders occurs. Vitamin K की deficiency से होते हैं bleeding disorders. देन विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल एंड विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी होता है विटामिन डी। देन विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है जेरोप्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस, एंड दी ओनली विटामिन विच इज टेराटोजेनिक इज विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन एट बर्थ, 3 ईयर्स, 1 ईयर और 2 ईयर्स? बीसीजी वैक्सीन शुड बी गिवन एट, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बर्थ। BCG vaccine should be given at birth. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोटोनिक वेहिकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेलमिक, बेंजालकोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेट 20, डायऑक्टिल सोडियम, 1.9% बोरिक एसिड। तो इनमें से कौन सा होता है आइसोटोनिक वेहिकल यूज टू प्रिपेयर ऑप्थेलमिक? तो ये होता है 1.9% बोरिक एसिड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ओरल वैक्सीन? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, साल्क्स वैक्सीन, सेबिन्स वैक्सीन। तो इनमें से कौन सा है ओरल वैक्सीन? तो ओरल वैक्सीन है सेबिन्स वैक्सीन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेबिन्स वैक्सीन होता है ओरल पोलियो वैक्सीन एंड साल्क्स वैक्सीन होता है किल्ड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मिल इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग? बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो इनमें से कौन सा मिल यूज करते हैं फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल का। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फ्लूइड एनर्जी मिल। एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन।
ठीक है। बॉल मिल का प्रिंसिपल भी होता है इंपैक्ट एंड एट्रिशन, कटर मिल का प्रिंसिपल होता है कटिंग एंड हैमर मिल का प्रिंसिपल होता है इंपैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 teaspoonful इज 15 ml, 4 ml, 0.06 ml और 3 ml, तो कितना होता है 1 teaspoonful इज, तो ये होता है 4 ml, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 1 teaspoonful इज 4 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज इज कॉल्ड ड्रॉट, एलिक्जर, लिंक्टस, कोलोडियन, तो क्या बोलते हैं ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, तो ये होता है ड्रॉट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ड्रॉट होता है ए लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज, एंड इसकी लैटिन टर्म होती है हॉस्टस, हॉस्टस बोलते हैं ड्रॉट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग एडमिनिस्टर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज डोपामाइन, फिनिलेफ्रिन, एट्रोपिन, डिगॉक्सिन, तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, तो ये होता है डोपामाइन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, डोपामाइन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, फ्यूरोसेमाइड, एसिटाजोलामाइड, स्पायरोनोलैक्टॉन, तो अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन इज डन विथ एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड एसिटाजोलामाइड आता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, यूवी रेडिएशन, बैक्टेरिसाइडल स्टरलाइजेशन, तो क्या बोलते हैं स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, तो ये होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पायरिडिन, अजोल्स, पायरिमिडिन, एक्रिडिन्स, तो किसमें आता है एंटीफंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल, तो ये आता है अजोल्स क्लास में, एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में आता है फ्लुकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, केटोकोनाजोल, माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, इट्राकोनाजोल, ग्रीसियोफोल्विन, ये सभी आते हैं अजोल्स क्लास में, एंटीफंगल ड्रग के अजोल्स क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन इज फ्यूरोसेमाइड, स्पायरोनोलैक्टॉन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, एसिटाजोलामाइड, द मोस्ट यूजफुल डायूरेटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, तो इनमें से किसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, तो इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड होता है थायजाइड डायूरेटिक एंड इसका यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिकरेंट कैल्शियम स्टोन्स, बिकॉज थायजाइड डायूरेटिक डिक्रीज करते हैं कैल्शियम एक्सक्रीशन इन यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज मेडिसिन फॉर टाइफॉइड इज क्लोरोपेन, एस्कॉर्बिक एसिड, ए सल्फा ड्रग, क्लोरोमाइसेटिन, तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड, तो टाइफॉइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोमाइसेटिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, एंड टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज एज सेडेटिव एंड एंटीबायोटिक मॉर्फिन, थीबेन, सेलेसोडिन, डाइजेपैम, तो इनमें से कौन सा ड्रग यूज करते हैं एज सेडेटिव एंड एंटीबायोटिक, तो ये होता है डाइजेपैम, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रासाइक्लिन आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस, गैस्ट्रिक इरिटेशन, एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड, इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड, तो क्यों नहीं दिया जाता टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विथ मिल्क बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन डज नॉट कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, फैक्टर वी इनिबिशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्रोलोंगेशन ऑफ ए पीटीटी, तो हेपेरिन क्या कॉज नहीं कराता, तो हेपेरिन डज नॉट कॉज फैक्टर वी इनिबिशन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, हेपेरिन डज नॉट कॉज फैक्टर वी इनिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस इज पेनिसिलिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो इनमें से कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होता है पर्टुसिस में, तो पर्टुसिस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस इज एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है,
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एट 50S राइबोसोमल सब यूनिट, ठीक है। और इसे थियोफाइलिन के साथ अवॉइड करते हैं क्योंकि ये थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी कॉज कराता है, ठीक है, एंड इसका लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अल्जाइमर्स डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड? बीटा एमिलॉइड, अल्फा हीमोग्लोबिन, अल्फा लिपोइक एसिड, बीटा एलेनिन। इन अल्जाइमर्स डिसीज विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड? तो इनमें से कौन से पेप्टाइड की लेवल एलिवेट हो जाती है इन अल्जाइमर्स डिसीज? तो ये होती है बीटा एमिलॉइड की, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विटामिन इन्वॉल्व्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज? बायोटिन, टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। तो कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन? तो विटामिन इन्वॉल्व्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन इज एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन, ठीक है। देन बायोटिन होता है विटामिन एच, टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई, एंड पेंटोथेनिक एसिड होता है विटामिन बी फाइव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म, पोटेशियम मेटाबॉलिज्म, फ्लूइड बैलेंस, सोडियम मेटाबॉलिज्म। तो किसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन फैट मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द ओनली ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग प्रेफर्ड फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ डिप्थेरिया? टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और अमिकासिन। तो ये होता है एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एरिथ्रोमाइसिन होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है एरिथ्रोमाइसिन। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है पर्टुसिस में, इसका लो थेरापूटिक इंडेक्स होता है, यह एंजाइम इनिबिटर होता है, और इसे थियोफाइलिन के साथ अवॉइड करते हैं बिकॉज इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल ऑफ थियोफाइलिन लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग्स इन अमाइनो एसिड्स इज? पॉलिश टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, फॉलिंस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट। तो कौन सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है इमिडाजोल रिंग्स के लिए? तो ये होती है पॉलिश टेस्ट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पॉलिश टेस्ट होती है फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग्स इन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैविंग ए वाइटर रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन इज? आयोडीन, ब्रोमीन, जिंक और क्लोरीन। तो कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन? तो ये होता है आयोडीन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एन एलिमेंट हैविंग ए वाइटर रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायरॉयड हार्मोन इज आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर इज? एलोप्यूरिनॉल, फाइसोस्टिग्माइन, एसिटाजोलामाइड और कार्बिडोपा। तो इनमें से कौन सा है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर? तो ये होता है एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इनिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज? snRNA, tmRNA, scRNA, hnRNA। mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज, तो इसका हो जाएगा hnRNA, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, hnRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्ट्रियोटाइड इज ए लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग ऑफ प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोस्टैटिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो किसका सिंथेटिक एनालॉग होता है ऑक्ट्रियोटाइड? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सोमेटोस्टैटिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्ट्रियोटाइड इज ए लॉन्ग एक्टिंग सिंथेटिक एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन होता है 14 अमाइनो पेप्टाइड, एंड पैनक्रियास के डेल्टा सेल से सिक्रिट होता है सोमेटोस्टैटिन। और ये ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सभी को इनहिबिट कराता है कौन? सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ क्लोरप्रोमाजिन, सिमेटिडिन, ब्रोमोक्रिप्टिन, मेटोक्लोप्रामाइड। गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ, तो गायनेकोमेस्टिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन का, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। गायनेकोमेस्टिया कैन बी ट्रीटेड विथ ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायरॉयड ड्रग? टोलाजामाइड, मेथीमाजोल, लिवोथायरॉक्सिन, क्लोरप्रोपामाइड। तो इनमें से कौन सा होता है एंटी थायरॉयड ड्रग? तो ये हो जाएगा मेथीमाजोल, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेथीमाजोल होता है एन एंटी थायरॉयड ड्रग। देन ए क्लोरप्रोपामाइड होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया।
हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होता है क्लोरप्रोपामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज क्विनिडिन ऑब्टेंड? सिंकोना बार्क, क्यूप्रिया बार्क, अर्जुना बार्क और रेसना बार्क। तो इनमें से कौन सा है क्विनिडिन का सोर्स? तो ये होता है सिंकोना बार्क। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्विनिडिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम सिंकोना बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी इज? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी वन। तो ये होता है विटामिन डी। विटामिन डी कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल। विटामिन ए होता है रेटिनॉल और ये टेराटोजेनिक विटामिन होता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से होता है जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। विटामिन बी वन होता है थायमिन, इसकी डेफिशिएंसी से होता है बेरीबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन? तो इनमें से कौन सा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन? ग्लार्जिन, लिस्प्रो, एस्पर्ट और ग्लूलिसाइन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं प्रोटामिनसिंग इंसुलिन, डिग्लूडैक, डेटिमिर एंड इंसुलिन ग्लार्जिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये लिस्प्रो, एस्पर्ट एंड ग्लूलिसाइन ये तीनों होते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनील यूरिया इज? मेटफॉर्मिन, ग्लाइक्लाजाइड, रोसिग्लिटाजोन, रेपाग्लिनाइड। तो इनमें से कौन सा ड्रग आता है सल्फोनील यूरिया क्लास में हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के? तो सल्फोनील यूरियाज में आते हैं क्लोरप्रोपामाइड, टोलबुटामाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सल्फोनील यूरिया होता है ग्लाइक्लाजाइड। मेटफॉर्मिन होता है बाइगोनाइड, रोसिग्लिटाजोन होता है थायजोलिडिन डायोन एंड रेपाग्लिनाइड होता है मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ? क्यूनोलॉन्स, एजोल्स, सल्फोनामाइड्स और टैक्सोल्स। तो किसका साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टलूरिया? तो यह साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड्स का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्रिस्टलूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द कॉमन नेम ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ब्लू विट्रियल, कॉपर सल्फेट। तो क्या होता है क्लोरिनेटेड लाइम का कॉमन नेम? तो ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोरिनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ब्लू विट्रियल होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटेनॉइड्स आर प्रीकर्सर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी और विटामिन ई। तो ये हो जाएगा विटामिन ए। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कैरोटेनॉइड्स आर प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड डेफिशिएंसी कॉजेज जेरोप्थैल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी सिक्स होता है पाइरिडॉक्सिन, देन विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई होता है अल्फा टोकोफेरॉल, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज? सोडियम फॉस्फेट, डायमरकैप्रोल, फेरोइन, बिस्मथ सब नाइट्रेट। तो इनमें से कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं इन द केस ऑफ पॉइजनिंग? तो ये होता है डायमरकैप्रोल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज डायमरकैप्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केलर केलियानी टेस्ट स्पेसिफिक फॉर? प्रोनासिन, लिनामेरिन, डिजिटॉक्सोज, आमला। तो किसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है केलर केलियानी टेस्ट? तो ये होती है डिजिटॉक्सोज के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। केलर केलियानी टेस्ट होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ये होती है डिजिटॉक्सोज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन के। तो ये होता है विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल एंड विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मॉइटी होता है विटामिन डी। विटामिन के होता है फाइलोक्विनोन एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ऑकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग? एट्रोपिन, फाइसोस्टिगमाइन, एड्रिनलिन, कार्बाकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग? तो ये होता है एट्रोपिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मशरूम पॉइजनिंग में यूज करते हैं एट्रोपिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एग्जिबिट्स थेरेप्यूटिक विंडो फेनोमेनन? कैप्टोप्रिल, फ्यूरोसेमाइड, डाइजेपैम, इमिप्रामिन। ड्रग एग्जिबिट्स थेरेप्यूटिक विंडो फेनोमेनन। तो ये होता है इमिप्रामिन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इमिप्रामिन होता है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देन कैप्टोप्रिल होता है एसी इनिबिटर, फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक, डाइजेपैम आता है बेंजोडाइजेपाइन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ए कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर, एसिटाजोलामाइड, डाइसल्फिराम, फाइसोस्टिग्माइन, थियोफाइलिन। तो इनमें से कौन सा है कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर? तो कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर होता है फाइसोस्टिग्मिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक इज स्ट्रिचनिन, मॉर्फिन, रिसर्पिन, क्विनिन। तो इनमें से कौन सा है नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक? तो ये होता है रिसर्पिन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रिसर्पिन होता है ए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकली एसिडिक ड्रग्स, तो क्या होते हैं वीकली एसिडिक ड्रग्स? आर बॉन्ड प्राइमरीली टू अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन, आर हाईली आयनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस, और डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या होते हैं वीकली एसिडिक ड्रग्स? तो वीकली एसिडिक ड्रग्स एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वीकली एसिडिक ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्क्रोफुलेरियासी, बर्सेरेसी, लेग्यूमिनोसी, रामनेसी। तो क्या होती है सेना की फैमिली? तो सेना की फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी, ठीक। मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक। तो ये रिकॉर्ड होता है जर्नल प्रॉपर में, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर एंड कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स ए मिनिमम ऑफ टू अकाउंट्स, थ्री अकाउंट्स, फोर अकाउंट्स, वन अकाउंट, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टू अकाउंट्स। एवरी जर्नल एंट्री इन्वॉल्व्स ए मिनिमम ऑफ टू अकाउंट्स एंड जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकल हॉर्मोन्स आर एंटी इमिटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट्स, एनालेप्टिक्स और ऑटोकॉइड्स। तो क्या बोलते हैं लोकल हॉर्मोन्स को? तो ये होते हैं ऑटोकॉइड्स, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑटोकॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज एट्थ क्रैनियल नर्व डैमेज, सिक्स क्रैनियल नर्व डैमेज, फोर्थ क्रैनियल नर्व डैमेज और ब्लाइंडनेस। तो क्या कॉज कराता है स्ट्रेप्टोमाइसिन? तो हमने देखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में और ये ओटोटॉक्सिसिटी कॉज कराता है एंड एट क्रैनियल नर्व होती है ऑडिटरी नर्व। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन कॉज एट क्रैनियल नर्व डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, INH, isoniazid, paraminobenzoic acid, paraminosalicylic acid, hydrocortisone. Which of the following is contraindicated in the presence of active tuberculosis? तो active tuberculosis में contraindicated होता है hydrocortisone. Option D हो जाएगा आपका correct answer. ठीक है? Next question. Which of the following requires energy? Active transport, osmosis, passive transport, diffusion. तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय बोन मैरो, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और किडनी। द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, स्प्लीन। एंड स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन एंड ए ग्रेट रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज स्प्लीन एंड द फीटल लाइफ आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लीन। देन वॉट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज? तो ये होता है 120 डेज। देन टोटल नॉर्मल आरबीसी काउंट होता है 4.5 टू 6 मिलियंस पर एमएम क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस इज स्कोपोलामाइन, एट्रोपिन, मेटोक्लोप्रामाइड, डॉम्पेरिडॉन। तो इनमें से कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस? तो ये होता है स्कोपोलामाइन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव बेनिफिशियल रोल इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, पार्किंसंस डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो किसमें बेनिफिशियल होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैव बेनिफिशियल रोल इन केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
And glucocorticoids are the only drug effective in type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions. ठीक है? Next question. Blood plasma and blood serum preparations are dried by freeze dryer, vacuum dryer, spray dryer, fluidized bed dryer. तो किसमें ड्राई किए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस? तो इसके लिए यूज करते हैं फ्रीज ड्रायर का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशंस आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्रायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ लैक्टोज, एम्पाउल्स, हार्डनेस ऑफ टैबलेट, जिलेटिन. तो किसकी क्वालिटी चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं? तो जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन. और ये ब्लूम स्ट्रेंथ नॉर्मली होती है 200 टू 240 ग्राम. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम्स इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, टू प्रोवाइड फाइन पार्टिकल टू पॉलिश स्किन, इंसिटू इमल्सीफायर, एंटी ऑक्सीडेंट. तो किस लिए यूज करते हैं बोरेक्स का इन कोल्ड क्रीम्स? तो ये होता है इंसिटू इमल्सीफायर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन इज स्पाइरोनोलैक्टोन, इथाक्राइनिक एसिड, आइसोसोर्बाइड, पायरेटानाइड. ए फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव हैविंग डायूरेटिक एक्शन. तो ये होता है इथाक्राइनिक एसिड. ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. ठीक है? और इथाक्राइनिक एसिड आता है लूप डायूरेटिक में. नेक्स्ट क्वेश्चन. The duration of action of protamine zinc insulin is 5 to 8 hours, 10 to 15 hours, 24 to 36 hours, 15 to 25 hours. तो कितना होता है duration of action of protamine zinc insulin? तो protamine zinc insulin आता है long acting insulins में and इसका duration of action होता है 24 to 36 hours. Option C will be your correct answer. Long acting insulins का duration of action होता है 24 to 36 hours. देन रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 2 to 4 hours. देन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 10 hours. एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 40 hours. ठीक है? एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में आता है इंसुलिन ग्लार्जिन, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन एंड डेटिमिर. एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग में आता है डिग्लूडेक. शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स होते हैं लिस्प्रो, एस्पर्ट, ग्लूलिसाइन. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. फेक्सोफेनाडिन इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन, एस्टिमिजोल, लोराटाडिन, सेट्रिजिन. तो किसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है फेक्सोफेनाडिन? तो यह एक्टिव मेटाबोलाइट होता है टर्फेनाडिन का. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल सिरप बीपी कंटेंस शुगर 85%, 60%, 75% और 50%. तो कितना शुगर परसेंटेज प्रेजेंट होता है सिंपल सिरप बीपी में? तो इसमें प्रेजेंट होता है 85% शुगर. और ये 85% वेट बाय वॉल्यूम होता है एंड 66.7% वेट बाय वेट होता है. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. इटोपोसाइड इज ए सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ प्लांट ग्लाइकोसाइड, प्लांट टैनिन, प्लांट एल्केलॉइड, प्लांट टर्पिन. तो किसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है इटोपोसाइड? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लांट ग्लाइकोसाइड. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी हेपेरिन, वारफेरिन, डाइकोमेरोल, फेनिंडियन. तो कौन सा होता है एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी? तो ये होता है हेपेरिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट. देन वारफेरिन होता है ओरल एंटीकोएगुलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री इज पेनिसिलिन जी, निरिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन. तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री? तो ये होता है मेट्रोनिडाजोल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री इज मेट्रोनिडाजोल. एंड मेट्रोनिडाजोल में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है. पेनिसिलिन जी होता है बेंजाथिन पेनिसिलिन और ये एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होता है. देन ये टेट्रासाइक्लिन कॉजेस डिसकलरेशन ऑफ टीथ. और इसे मिल्क के साथ में नहीं देते बिकॉज इनसोल्यूबल चिलेट्स इज फॉर्म. एंड टेट्रासाइक्लिन शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट्स ऑफ लीवर डिसीज. एंड कैल्शियम कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन. ठीक है?
Next question. The effect of sulfa drug is antagonized by paraminobenzoic acid, folic acid, sulfanilic acid or thiamine. तो इनमें से कौन एंटागोनाइज करता है द इफेक्ट ऑफ सल्फा ड्रग? तो ये होता है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. द इफेक्ट ऑफ सल्फा ड्रग इज एंटागोनाइज्ड बाय पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूट्रोपेनिया ड्यू टू कैंसर केमोथेरेपी इज विटामिन B12, इंटरलुकिन 11, फिलग्रास्टिम, एरिथ्रोपोएटिन. तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूट्रोपेनिया ड्यू टू कैंसर केमोथेरेपी? तो ये होता है फिलग्रास्टिम. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फिलग्रास्टिम. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रेनल कोलिक, एब्डोमेन पेन, हेड इंजरी, बर्न्स. तो मॉर्फिन डेरिवेटिव्स किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हेड इंजरी में. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन? BCG, measles, OPV, pertussis. इनमें से कौन सा लाइव एटेनोटेड वैक्सीन नहीं है? नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन. तो ये हो जाएगा pertussis. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. BCG, measles एंड ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तीनों लाइव एटेनोटेड वैक्सीन होते हैं. pertussis इज नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज कैंसर, सिफिलिस, टाइफॉइड, TB. तो इनमें से कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है? तो ये होता है कैंसर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मम्स इन चिल्ड्रेन यूजुअली इन्वॉल्व्स सलाइवरी ग्लैंड्स, CNS, टॉन्सिल्स एंड थ्रोट, पैनक्रियाज. तो मम्स में कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? तो ये हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. मम्स इन चिल्ड्रेन यूजुअली इन्वॉल्व्स सलाइवरी ग्लैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following drugs is absorbed from the stomach? Metoprolol, quinine, aspirin, aminophylline. Drug absorbed from the stomach. तो ये होता है aspirin. Option C will be your correct answer. Next question. Symptoms seen in opium withdrawal is constipation, lacrimation, dry nose and mouth, delirium. तो इनमें से कौन सा opium withdrawal symptom है? तो ये हो जाएगा lacrimation. Option B will be your correct answer. Opium withdrawal is associated with lacrimation, then diarrhea, rise in BP, anxiety. ठीक है. Next question. Intrinsic factor is secreted by chief cell, parietal cell, mucous cell, argentocyte cell. तो कहाँ से secrete होता है intrinsic factor? तो ये secrete होता है parietal cell से. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Intrinsic factor is secreted by parietal cell. Next question. Word new drug in Drugs and Cosmetic Act refers to drug just discovered, molecules under recovery, recently approved in India, approved in other countries but not in India. तो किसे बोला जाता है new drug in Drugs and Cosmetic Act? तो ये होता है drug just discovered. Option A will be your correct answer. New drug होता है drug just discovered. Next question. Steam sterilization involves heating at 180 degree Celsius at atmospheric pressure, 121 degree Celsius at 50 pound pressure, 145 degree Celsius at 15 pound pressure, 121 degree Celsius at atmospheric pressure. तो कितना temperature and pressure होता है steam sterilization में? तो ये होता है 121 degree Celsius at 15 pound pressure. Option B will be your correct answer. 121 degree Celsius at 15 pound pressure. Next question. एंड स्टीम स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं ऑटोक्लेव का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एडवर्स रिएक्शन, सिनर्जिक. तो क्या बोलते हैं ऐसे ड्रग को दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग? तो इसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंटागोनिस्ट होता है ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Antidote of benzodiazepine is N-acetylcysteine, flumazenil, barbiturates, naloxone. तो कौन सा होता है antidote of benzodiazepine? तो benzodiazepine poisoning में antidote होता है flumazenil. Option B हो जाएगा आपका correct answer. Flumazenil. Next question. As per Drugs Act, repacking license is not issued for Schedule H drugs, bulk drugs, Schedule X drugs, Schedule C and C1 drugs.
एज पर ड्रग्स एक्ट रीपैकिंग लाइसेंस इज नॉट इश्यूड फॉर। तो किसके लिए रीपैकिंग लाइसेंस इशू नहीं करते? तो रीपैकिंग लाइसेंस इज नॉट इश्यूड फॉर शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए रीपैकिंग लाइसेंस को इशू नहीं किया जाता। शेड्यूल सी एंड C1 में आते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, सी में आते हैं पेरेंटल ड्रग्स एंड C1 में आते हैं नॉन पेरेंटल ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर, ड्रम ड्रायर, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, स्प्रे ड्रायर। तो इनमें से कौन सा ड्रायर यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर? तो मिल्क पाउडर के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं स्प्रे ड्रायर का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्रे ड्रायर होता है क्रूड ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इमल्शन? मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सॉल्यूशंस, मिक्सचर ऑफ टू लोशंस, मिक्सचर ऑफ टू पाउडर्स, मिक्सचर ऑफ लोशन एंड पाउडर। तो क्या होता है इमल्शन? तो इमल्शन होता है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल सॉल्यूशंस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द विटामिन दैट इज रिगार्डेड टू बी ए हार्मोन इज विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन ए। तो इनमें से कौन सा विटामिन होता है हार्मोन? तो ये होता है विटामिन डी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। विटामिन डी इज रिगार्डेड टू बी ए हार्मोन। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, इसका एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल एंड विटामिन डी इज सिंथेसाइज अंडर द स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग, टैबलेट, कैप्सूल, बोथ और ऑइंटमेंट? तो इनमें से कौन सा डोसेज फॉर्म सुटेबल होता है फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए? तो ये हो जाएगा कैप्सूल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्सूल इज सुटेबल फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल इज कॉल्ड मॉटलिंग, स्टिकिंग, पिकिंग, कैपिंग। तो क्या होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल? तो ये होता है स्टिकिंग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टिकिंग होता है एडिशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू ए डाई वॉल। देन मॉटलिंग होता है अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन। पिकिंग होता है मटेरियल इज पिकअप बाय अपर पंच फ्रॉम द अपर टैबलेट सर्फेस। देन कैपिंग होता है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरल वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग लिविंग मीडिया, आर्टिफिशियल लिक्विड मीडिया, आर्टिफिशियल सेमी सॉलिड मीडिया, ऑल ऑफ द अबव। वायरल वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लिविंग मीडिया। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। वायरल वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग लिविंग मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजर ऑफ ए बिजनेस इज प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक, मेमोरेंडम बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो क्या होता है लेजर? तो लेजर होता है प्रिंसिपल बुक। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लेजर ऑफ ए बिजनेस इज अ प्रिंसिपल बुक। देन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट शोज कैश इन हैंड, न्यू एक्सपेंडिचर, नेट इनकम, नन ऑफ द अबव। द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट शोज। तो बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट शोज कैश इन हैंड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडाइजेपाइन, डाइजेपैम, नाइट्राइजेपैम, जोल्पिडेम, ट्रायाजोलम? इनमें से कौन सा नहीं आता बेंजोडाइजेपाइन्स में? तो डाइजेपैम, नाइट्राजेपैम, ट्रायाजोलम ये सभी बेंजोडाइजेपाइन्स में आते हैं। जोल्पिडेम इज नॉट ए बेंजोडाइजेपाइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग्स इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, नॉन लीनियर काइनेटिक्स। ड्रग्स इन सस्पेंशंस एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय। तो ये होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स इज सॉफ्ट पैराफिन, यूरिया, बीज वैक्स, टीरिल अल्कोहल। द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स। तो कौन सा हीलिंग एजेंट यूज करते हैं इन हैंड क्रीम्स? तो ये होता है सॉफ्ट पैराफिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन ये बीज वैक्स होता है पॉलिशिंग एजेंट, टैबलेट पॉलिशिंग में यूज करते हैं बीज वैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्ड क्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, बोथ और नन? तो क्या होता है कोल्ड क्रीम? कौन से टाइप का इमल्शन होता है कोल्ड क्रीम?
तो ये होता है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, कोल्ड क्रीम होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।